हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो सीखेंगे वो है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव एक फंक्शन का एक प्रॉपर्टीज होता है, तो इंजेक्टिव के बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इंजेक्टिव फंक्शन होता क्या है? ठीक है, देखिए, ए फंक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट इज कनेक्टेड टू वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में देखिए, ए एक सेट है और बी एक सेट है। ए डोमेन है, बी कोडोमेन है। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पर बोला है ए फंक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, यानी कि डोमेन का एक एक एलिमेंट्स दूसरा कोडोमेन, कोडोमेन का एक एलिमेंट्स के साथ जुड़ा रहेगा। यानी कि ए सेट का एलिमेंट बी सेट यानी कि कोडोमेन के सेट के साथ जुड़ा रहेगा। अब ए डोमेन का सभी एलिमेंट्स बी के सभी एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हो भी सकता है, ना नहीं भी हो सकता है, लेकिन ए का सभी एलिमेंट्स बी के सभी एलिमेंट्स के साथ वन टू वन यानी कि एक के साथ एक ही कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं होगा कि थ्री और फोर जाके डायरेक्ट ई से कनेक्टेड हो गया। लेकिन सर्जेक्टिव में क्या होता था? सर्जेक्टिव में वन टू थ्री या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बी के एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकता था, वो था हमारा ऑन टू। लेकिन ये है हमारा वन टू वन, यानी एक एलिमेंट से एक ही कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? लेट एफ बी ए फंक्शन एफ ए टू बी, एफ इज सेड टू बी इंजेक्टिव यानी वन टू वन इफ ए नॉट इक्वल टू ए प्राइम। यहाँ पे ए क्या है? ए यहाँ पे ए सेट का कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। यहाँ पर ए एक एलिमेंट्स है और ए प्राइम भी और एक एलिमेंट्स है ए सेट का। तो ये दोनों एलिमेंट्स अगर सेम ना हो, यानी वन और टू तो सेम नहीं है, तो ये दोनों एलिमेंट्स अगर सेम ना हो तो इस ये हमें इम्प्लाई करता है कि एफ ए और एफ ए प्राइम भी सेम नहीं होगा। यानी एफ वन का वैल्यू क्या है? ए, और एफ टू का वैल्यू क्या है? सी। तो ए और सी कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब यही है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल ए सेट में यानी डोमेन सेट में वन ए बी सी डी और बी सेट में वन टू थ्री फोर। ठीक है, अब हमें बोला है एफ ए कॉमा वन बी कॉमा टू सी कॉमा थ्री डी कॉमा फोर। हमें एग्जाम में मेनली पूछेंगे कि ये एफ फंक्शन आपको दिए जाएंगे ए कॉमा वन बी कॉमा टू, आपको बोलना होगा कि एफ ये इंजेक्टिव है, ये सार्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। आप सार्जेक्टिव और बाइजेक्टिव पर ऑलरेडी एक वीडियो है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, हमें बोला है ए कॉमा वन, तो ए से वन बी से टू सी से थ्री डी से फोर। हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें बस देखना है कि इस फंक्शन इंजेक्टिव का जो कंडीशन था वो होल्ड कर रहा है या नहीं। तो देखिए, ए और बी दोनों अलग सेट हैं, और सॉरी दोनों अलग एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो फंक्शन होगा एफ ए वन और एफ बी, यहाँ पर देखिए एफ ए इक्वल टू क्या है? वन, और एफ ऑफ बी क्या है? एफ ऑफ बी हमारा टू है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी नॉट इक्वल है, और इसी तरह ही एफ ए नॉट इक्वल एफ बी। तो यहाँ पर देखिए, इंजेक्टिव का जो कंडीशन था वो होल्ड्स हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है। ठीक इसी तरह ही हम इस फंक्शन को भी बोल सकते हैं कि ये इंजेक्टिव है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो से आपको इंजेक्टिव के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया कि इंजेक्टिव फंक्शन असल में होता क्या है और इसको कैसे पहचाने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। तो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। थैंक यू।